अरे भैरों, जी भाई साहब। ये पैसे रख ले और आज ही कचहरी जाकर वो लच्छो बाई वाली जमीन की रजिस्ट्री करवा ले हमारे नाम पर। भाई साहब, लेकिन लच्छो बाई ने तो 2 महीने की मोहलत और मांगी थी ना, तो फिर अभी से रजिस्ट्री की। मैं जो कह रहा हूँ वो सुन तू, समझा? उस औरत पे तरस खाने की जरूरत नहीं है तुझे। हाँ भाई साहब, लेकिन अरे कल तेवर नहीं देखे तूने उसके? कैसे आंखें दिखा रही थी वो हमको? जैसे कर्जा उसने हमसे नहीं, हमने उससे लिया। देख भैरों, तुझे नहीं जाना तू मत जा, लेकिन ये बहस मत कर मेरे साथ। मैं चला जाऊंगा कचहरी, लेकिन उस लच्छो भाई को अब 1 घंटे की भी मोहलत नहीं दूंगा मैं। जमीन तो लेकर ही मानूंगा मैं। गरीब औरत है भाई साहब, अगर जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी चला जाएगा तो कैसे जिएगी बेचारी? अरे तो सभी के पेट भरने का ठेका हम ही ने ले रखा है क्या? देख भैरों, ये दया धर्म की बात ठीक है, लेकिन एक सीमा तक। तेरी तरह ऐसे इन लोगों पे तरस खाते रहे, इनके आंसुओं को देख के पिघलते रहे, तो बहुत जल्दी हमें भी दया की भीख मांगने के लिए निकलना पड़ेगा। अरे तू नहीं जानता इन लेनदारों को, बहुत चालाक होते हैं ये लोग। इनसे इन्हीं की जुबान में बात करनी पड़ती है, जरूरत पड़े तो थोड़ा दम भी दिखाना पड़ता है, नहीं तो सर पे चढ़ जाते हैं ये लोग। नहीं भाई साहब, ऐसा जरूरी नहीं है। जो बात धमकी से ना बने वो प्यार से समझाने से बन जाती है। हाँ क्यों नहीं, प्यार से बात करने का असर देख तो रहा है इस घर की औरतों पर। सबके सब अपना मुंह खोलने लगे हैं, और सब तेरी वजह से। तू जो उनकी तरफदारी करने के लिए खड़ा हो जाता है। बड़ा आया प्यार से बात करने वाला। सहन शक्ति की कोई सीमा तो होती है ना भाई साहब, कोई कितना दबेगा और कब तक? टहनी को ज्यादा झुकाएंगे तो एक दिन टूट ही जाएगी। देख भैरों, ये बड़ी बड़ी बातें रहने दे, कुछ नहीं होता। खाना परोस दिया है। बसंत, जिस शहर के हाट से जो जो चीजें लानी है ना, सब लिख दिए। ले, देख ले एक बार। क्या हुआ? कोई बात चल रही थी क्या भाइयों के बीच में? मासा, अपने छोटे भाई से ज्ञान की बातें सीख रहा था। चलिए खाना लग गया। मासा, मैं तो ये कह रहा था कि बस भैरो, बस। अब थारे को भी बहस में पड़ने की कोई जरूरत ना है। अब चल के चुपचाप खाना खा लो दोनों भाई, और लगो अपने अपने काम में। बड़ी देर लगा दी घर आने में, इतना वक्त लगे है मंदिर में। दादीसा, बहुत भूख लगी है, खाना दो ना। अरे तो तैयार है खाना, तू हाथ मुंह धो के तो आ। अरे इन भिखारियों पे लुटाने के लिए थारी माँ और बड़ा भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैंने कहा ना मासा, आप चिंता मत कीजिए। अरे बसंत, फिर भी लच्छो भाई से तो मैं एक एक पाई वसूल कर लूंगा। डींदड़ी, जल्दी जल्दी हाथ चला, परोस सबको जल्दी। सुगना, चल तू अपनी दादी साहब परोसे। अकेले सुमित्रा से ना होने वाला कुछ भी। खाना खाऊं और सोने जाऊं। अचार रसोई में ही भुलाई होंगी शायद, जाके ले तो।
खट्टे की सब्जी, कितनी चौकी खुशबू आ रही है। माँ भी ना 10 चीजें पकाती है और परोसना तो भूल ही जाती है। ले लाडे सर खा, मैं अपना भी खा लूंगा दादी सर। अरे रोज तो तू अपने हाथ से ही खा रहे है, आज दादी सा के हाथ से खा ले। ले, ले। ये नाश पीटी परीक्षा खून ही पिजावे है बच्चों। हाँ देखो तो कैसा मुरझा गया है मेरा लाडे सर, एकदम पीड़ा पड़ गया है। अरे कोई मेरे सामने तो लाए उस निर्दयी दुष्ट को जिसने जो परीक्षा का चलन शुरू किया। मैं बताऊं उसे, हर साल हमारे लाडे सर का जई हाल हो जावे, पीला पड़ जावे। अब अच्छी तरह से खा ले, अपने आप खा। परीक्षा के नाम पे जान ही ले लेंगे क्या बच्चों की? अरे लाडे सर इतनी पढ़ाई भी मत किया कर। हाँ क्या पढ़ी है हर वक्त किताबों में अपनी जान सुखाने की? देवी माँ की कृपा से फलता फूलता कारोबार है, किसी चीज की चिंता ना है। जितना जरूरी है उतना ही पढ़ा कर। देर रात तक रट्टा मारने की और जे भारी सा बस्ता लेकर भाग भाग कर स्कूल जाने की कोई जरूरत ना है। पर दादी सा पढ़ाई करना तो अच्छी बात होती है। तू चुप रह छोरी, पढ़ाई लिखाई से थारा क्या लेना देना। तू अपने और अपने बींद के खान पान पे ध्यान रख। हाँ बड़ा उपकार होगा, देख तो क्या हालत हो गई है थारे बींद की। इतना मुरझा गया है महारा लाड़े सर, जरा और चिंता रखती ना इसकी तो जे हालत ना होती इसकी। परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है जगह? बहुत अच्छी बापू, अब से ना भी पढ़ो ना फिर भी कक्षा में अव्वल ही आऊंगा। सुखना जरा आचार देना। चुप बोलूं उसका उल्टा ही होवे है। मेरी कोई बात ही मत सुने।